पिछले साल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से एक चीते की पहले ही मौत हो गई थी और अभी हाल ही में एक और चीते जिसका नाम उदय है, उसकी भी बीमारी के चलते मौत हो गई है। उदय की मौत का सबसे बड़ा कारण कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की लापरवाही बताई जा रही है। वहीं बार बार कूनो से भागने वाले चीते ओबान की आजादी अब खत्म कर दी गई है, उसे झांसी के पास से पकड़कर फिर बाड़े में छोड़ दिया गया है। भारत में चीतों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, जिस वजह से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए हैं और उन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, लेकिन वहां पर उनकी अच्छी देखभाल नहीं हो पा रही है। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन चीतों की देखभाल करने में नाकाम साबित हुआ है और इसकी लापरवाही के चलते चीता उदय की मौत हो गई। मृत चीता का पोस्टमार्टम भोपाल के वन विहार के डॉक्टर अतुल गुप्ता ने अपनी चिकित्सकों की टीम के साथ किया। चीता उदय की मौत का प्रारंभिक कारण कार्डियक अरेस्ट माना जा रहा है। 4 घंटे चले पीएम के दौरान मौत का सही कारण जानने के लिए डॉक्टरों ने उदय के हार्ट, किडनी, आंख, लंग्स का विसरा सैंपल लिया, जिसे जांच के लिए भोपाल और जबलपुर की लैब में भेजा जाएगा। उदय से पहले भी एक चीते की यहाँ मौत हो चुकी है। उदय की मौत से पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि उसकी तबीयत खराब है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन वन अमले ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक वन अमले ने होश संभाला, इस पर ध्यान दिया, तब तक उदय की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में जो चीज़ें सामने आई है उसके अनुसार कार्डिक आर्टरी फेल होने से उदय की जान चली गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कूनो पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा को अब वहां से हटाया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि उत्तम शर्मा ने को जितना ध्यान देना चाहिए था उन्होंने उतना इस पर नहीं दिया है। कूनो नेशनल पार्क में रह रहे 18 चीतों में सबसे शैतान और शातिर ओबान, जिसको नया नाम पवन दिया गया था, अब उसकी आज़ादी भी छीन ली गई है। एक वीडियो सामने आया है इस पवन का। 21 मार्च को खुले जंगल में छोड़ने के बाद से ही ओबान और पवन जंगल की सीमा क्रॉस कर यूपी और यूपी के झांसी बॉर्डर तक पहुंच गया था। कभी वो गांव में घुसता है तो कभी दूसरे राज्यों की सीमा में। उस पर निगरानी रख रही टीम ने तय किया कि अब इसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए उसे ट्रैंकुलाइज कर वापस कूनो के बाड़े में कैद कर दिया गया है। इस बार यहाँ उसके साथ 2 अफ्रीकी मादा चीता भी रहेंगी। बता दें, अब खुले जंगल में 3 चीते हैं, इनमें 2 नर और 1 मादा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।